दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि आर्मी सर्विस कॉप यूनिट अंडर रजिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर 16 कॉप्स के अंदर आई है। ऑल इंडिया से सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपको 16 यानी कि 16 वैकेंसी मिल रही है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए तो मैं उसके लिए राजी हूं अप्लाई करने के लिए, तो ही अप्लाई कीजिए। जिनको हजारों वैकेंसियों की जरूरत है वो हजार की तरफ जाएं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें एक वैकेंसी चाहिए, जब सरकार हमें वो इशू करती है तो हमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। बाकी मिले या ना मिले वो उसके हाथ में है, हमारी मेहनत के साथ वो चीज जुड़ी होती है। आपको थोड़ा सा पे स्केल और पोस्ट के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, इंडस्ट्रियल मजदूर की आपको वैकेंसी मिल रही है। आप बोलोगे ये क्या थर्ड क्लास मेरे को पोस्टें बता रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, इन पोस्टों को हासिल करने के लिए भी आप लोगों को रिटर्न देना पड़ रहा है, फिजिकल देना पड़ रहा है, इसके साथ प्रैक्टिकल देना पड़ रहा है, यानी कि इंटरव्यू तक ले लो आप इसमें। अब पे स्केल की बात करते हैं, 21,700, 19,900, 18,000 एज पर पोस्ट फायरमैन, इंडस्ट्रियल मजदूर। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब ये 16 वैकेंसियों में से भी दो वैकेंसियां तो आपको एक सर्विसमैन को देनी है और एक फिजिकल हैंडीकैप को देनी है, तो ये आप पीछे लिख के चलिए। 14 वैकेंसियां नॉर्मल कैंडिडेट के लिए मिल रही है। अब हम चलते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayega.in की तरफ। जिन लोगों का इस जॉब में इंटरेस्ट होगा, इतनी वैकेंसियों के साथ आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब वो समझ लीजिए। तो ये एक लिंक है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayega.in। आप गूगल में सर्च कीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जो लिंक दिया है आप वहां पे क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आपने बिल्कुल नीचे जाना है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको लिंक मिलेगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी समझिए लास्ट डेट को, फिर ही आगे जाइएगा। इसी के साथ मैं बता दूं, अगर आप डायरेक्ट भी वेबसाइट पे आ जाते हैं samajayega.in, तो यहाँ पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये पेज एक अलग से पेज ओपन होगा और वहां पे आर्मी सर्विस कॉप करके वैकेंसी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कुछ। इस फॉर्म को जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना होगा, ये चीज का ध्यान रखिए। डिफेंस की ही जॉब है ये, आपको मैंने स्टार्टिंग बता दिया। जो आपकी लोकेशन होगी स्टार्टिंग में अखनूर राजौरी यानी कि J&K स्टेट के अंदर होगी, लेकिन इसकी जो लाइबिलिटी है जॉब की वो ऑल इंडिया लेवल पे है। आपका एडमिट कार्ड इन्होंने कहा है कि भाई आपको अपडेट कर देंगे बाय पोस्ट जिस तरह से करना है। अगर बात करें एग्जाम लोकेशन की तो वो आपको एडमिट कार्ड के थ्रू ही पता चलेगी, उसके पहले पता नहीं चलेगी और आप इनको पूछ भी नहीं सकते। ये भी आपको चीज बता दूं, क्या आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, आपको कोई खर्चा नहीं मिलने वाला। कौन अप्लाई कर सकता है? ऑल इंडिया से कैंडिडेट। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न, फिजिकल, प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट से हम कहते हैं। एग्जाम के बारे में जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप है, 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स, 2 घंटे मिलेंगे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत किए तो 1 मार्क कट हो जाएगा। एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। कौन कौन सी सेक्शन आएंगी? 4 सेक्शन आएंगी 25-25 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास रखी है, कुछ डिजायरेबल चीजें मांगी हुई हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, ज्यादा नहीं है लेकिन 10th पास अप्लाई कर पाओगे आप। एज लिमिट 18 से 25 साल है, एससी एसटी की 5 साल, ओबीसी की 3 साल। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कुछ नहीं होती ऑफलाइन में। ये फॉर्म 9 मार्च 2019 को इंप्लॉयमेंट न्यूज में आया था, आप में से कोई चेक करना चाहे तो 9 तारीख की जो इंप्लॉयमेंट न्यूज है मार्च महीने की 2019 की वो चेक कर सकता है। अब तब से लेके 30 दिनों के अंदर फॉर्म को अप्लाई करना है, यानी कि 8/4/2019 के पहले पहले इनके ऑफिस में ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। इनके ऑफिस का क्या एड्रेस है? 898@bnasc.pin9058986/O56MPO। यहीं आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो आपका पोस्टल जो जिसमें हम करते हैं लिफाफा उसके ऊपर लिखना होता है, ठीक है। अब जो लोग स्पेशल एरिया से आते हैं जैसे लद्दाख सब डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, लाहौती स्पीति डिस्ट्रिक्ट, पंगी सब डिवीजन ऑफ चंबा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, आंदमान निकोबर, इजलैंड, लक्षद्वीप, इनके लिए लास्ट डेट 15/3/2019 बनेगी, 37 डेज, कब से लेके 9 मार्च 2019। तो आप भी कैलकुलेट करिए, कभी कभी मैं भी गलती कर देता हूं। अब इस फॉर्म के साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो इस चीज को समझिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप 12वीं ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन 12वीं 10th सब की मार्कशीट, डिप्लोमे, सर्टिफिकेट जो है वो भेज दीजिए। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपने भेजना है, तो वैसे इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन 10th की मार्कशीट भी तकरीबन चल जाती है, लेकिन अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो तो भेज दीजिए, बड़ी अच्छी बात होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी कास्ट है कोई एससी से है, एसटी से है, ओबीसी से है तो वो भेज सकता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है एक्स सर्विसमैन के लिए, तो ये आपने सबने नहीं भेजना है।
सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स का कुछ हासिल किया हुआ है तो वो भेज सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ये मांगा हुआ है, ये कौन सी पोस्ट के लिए मांगा है ये भी बता देता हूँ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस पोस्ट में मांगा है उसमें भेजना है, अदरवाइज भेजने की जरूरत नहीं है। इसमें आपने एक सेल्फ एड्रेस एनवेल्प भेजना है जो कि खाली एनवेल्प होता है जिसमें आपका एडमिट कार्ड आना है। एक इनवल्प भेजना है जिसका 25 रुपीज की आपने स्टाम्प के साथ भेज देना है, ठीक है। तो नॉर्मल जिसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाए उतने साइज का ही हमने भेजना है, जो कि हम पीडीएफ के अंदर चेक करेंगे। अब देखो फिर से बता दूं आपको, ये लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप इस पेज पे आएंगे, यहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ी सी क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। चलिए ये सबसे पहले हम ले लेते हैं फायर इंजन ड्राइवर की। इसमें आपकी 10वीं पास तो होनी चाहिए और आपके पास 3 सालों का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना जरूरी है, और 3 सालों तक आपने गाड़ी चलाई होनी चाहिए और 3 सालों पुराना ही ये लाइसेंस होना चाहिए। इसमें हाइट मांगी गई है 165 की, अगर आप शेड्यूल ट्रिपर हैं तो 2.5 सेंटीमीटर की आपको छूट दे दी जाएगी। 81.5 सेंटीमीटर की चेस्ट मांगी है, 85 सेंटीमीटर का आपके पास जो है मिनिमम जो है आपकी फैलाने के बाद चेस्ट होनी चाहिए। वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। आपका एक इंडोरेंस टेस्ट होगा जिसमें आपने 65.5 केजी का वेट उठा के दौड़ना है और 183 सेंटीमीटर तक आपको दौड़ना पड़ेगा। टाइम दिया जाएगा 96 सेकंड का। बाकी आपने एक 2.7 मीटर का विड डिच जंप लगाना है, जो कि आपको लॉन्ग जंप हम कहते हैं, ठीक है, बोथ फीट पे। और क्लिम्बिंग है, आपको लटकना है थोड़ा सा 3 मीटर के लिए, चलाएंगे रस्सी के ऊपर भी, सीढ़ी के ऊपर भी आपको चला सकते हैं। तो ये है, बाकी ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पास है या नहीं है, लेकिन जिनके पास होगी उनको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा। एक चीज मैं बताना भूल गया, ये हो गया। अब चलते हैं हम फायरमैन की पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पे भी 10वीं पास मांगी गई है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि भैया आपको इसके टूल, फायरमैन की जो ड्यूटी वगैरह होती है इसके बारे में सब पता होना चाहिए, ये काम आपने बस किया होना चाहिए बस। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे कुछ भी इसके बारे में हम देख लेते हैं। हाँ, इन्होंने कहा है कि भैया आपने यहाँ सिविल सर्विस में या डिफेंस में किसी में भी ये फायर ब्रिगेड का जो काम है वो ग्रेड 2 के हिसाब से किया होना चाहिए मिनिमम 3 सालों के लिए। तो यहाँ पे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वहीं अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसमें भी सेम हाइट सेम क्राइटेरिया मांगा गया है। हम नीचे आ जाते हैं इंडस्ट्रियल मजदूर की पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आप फिजिकली फिट होने चाहिए, जितनी मैंने ऊपर हाइट चेस्ट आपको बताई बस उतनी ही यहाँ पे मांगी गई है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो एक्स्ट्रा चीज है वो है 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें 5 मिनट 20 सेकंड आपको दिए जाएंगे, 6 मिनट भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर आपको 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर ये कर देते हैं। बाकी देखिए आर्मी वाला ही पुशअप है, मिनिमम चिनअप्स है, मिनिमम सिटअप्स आपको मारने हैं, तो ये आपको वही आर्मी की जो फिजिकल है वही चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। बाकी रिलैक्सेशन आपको मैंने बता दी है, और चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्म को कैसे फिल करना है। इसके अलावा आपको मैंने एड्रेस भी यहाँ पे बता दिया है, शायद अगर नहीं बताया तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एड्रेस कहाँ पे है। तो इनका जो एड्रेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं 898@BNSS30 डेज के अंदर आपने ये भेजना है। पिन आपको देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको पिन, ये देखिए 898BNAS पिन 90589CO/OAPO। तो ये इनका पूरा पिन है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये मतलब इनका पूरा एड्रेस है, यहाँ पे आपको फॉर्म को भेजना है। अब फॉर्म कैसे फिल करना है चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो ये है कुछ इस तरह से फॉर्म। तो ये रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर क्या है, रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे ऊपर, ये है ना रिक्रूटमेंट नोटिस, तो यही आप लिख सकते हो 1/2019 रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं, बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, चलिए कहाँ गया, ये है फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल, फायरमैन, फायर जो भी है, ठीक है, देख लेना। यहाँ पे एक फोटो लगा देना, अफिक्स रिसेंट अटेस्टेड पासपोर्ट साइज साइज फोटो, सेल्फ यानी कि अपने साइन करके आपने ये फोटो लगानी है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ये बता दिया, अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखिए, पापा का लिखिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बताइए, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है। दोस्तों कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस वो होता है अगर कोई अपने घर से दूर है, कहीं और है, वो कहीं और चिट्ठी मंगाना चाहता है तो उसे कहते हैं हम कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जहाँ पे अपना घर है कहीं भी, ठीक है, आपका अपना घर वो एड्रेस। बाकी देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताइए, आप 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी है कहाँ से की, किस स्कूल से की वो बताइए, किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी है, अगर कोई जनरल SC OBC से है तो यहाँ पे बता दीजिएगा।
अब नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, ये वाला जो है ये फिजिकल हैंडीकैप के लिए, इसको आप नील कर दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा, कुछ मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा, मैं यही कहूंगा। नो नंबर, अगर आप एक्स सर्विस मैन है, पहले काम करके आ चुके हैं, तो ही इस चीज को छोड़िए, वरना लिखिएगा इसमें कुछ, अदरवाइज इसको रहने दीजिएगा। फिजिकल हैंडीकैप वाला भी आप छोड़ दीजिए, ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नहीं है। ये जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो उसका बता दीजिएगा अपनी एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने कहा है इफ यस मेंशन रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है अगर आप उसके साथ रजिस्टर्ड हैं तो उसकी डिटेल दीजिए, अदरवाइज उसे रहने दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है डेट, यहाँ पे लिखनी है प्लेस, और यहाँ पे कर देने हैं सिग्नेचर। अब देखिए ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए है, तो ये आपने भेजना जरूर है लेकिन आपने इसको फिल नहीं करना है। चलिए ये एक पेज हो गया हमारा ए फोर साइज। अब ये दूसरा पेज है, इसको अलग से आपने प्रिंट करवाना है और उसको भी भेजना है। यहाँ पे नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपने पापा का नाम, बड़े अक्षरों में लिखिएगा अपना नाम, ठीक है। यहाँ पे फोटो लगाइएगा और नीचे इस डिब्बे में आप साइन जो है वो कर दीजिएगा। उसके बाद आपने एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्डेंस अपना, वहीं जहां पे आप चिट्ठी मंगवाना चाहते हैं वो एड्रेस आएगा, कंप्लीट पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट जो भी है तहसील। ये आपने 5 नंबर नहीं लिखना, 6 नंबर भी आपने नहीं मिलना है, और ये सिग्नेचर अपने मत करिएगा, ऑफिसर करेंगे उनके। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट कम कॉल लेटर, ये भी आपने भरना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल ओबीसी जो भी है वो बताइए, अगर नहीं है तो नील कर दीजिए। एड्रेस लिखिए जहां पे चिट्ठी वगैरह मंगवाना चाहते हैं। उसके बाद 6 नंबर आपने नहीं भरना, 7 नंबर आपने नहीं भरना, 8 नंबर आपने नहीं भरना, 9 नंबर आपने नहीं भरना, 10 नंबर आपने नहीं भरना, बस इतना ही है। बहुत सारे लोग अब ये भी पूछेंगे कि हम ये किस पोस्ट से भेजना है, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। हाँ, जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट होते हैं, जैसे इंडियन पोस्ट ऑफिस है हमारा, वहां से आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, नॉर्मल पोस्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही मुझे लगता है जानकारी है इसके अंदर, बाकी आप भी प्लीज नोटिफिकेशन को रीड करिए। आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका, कुछ भी है तो आप कमेंट करिए, अगर मुझे इस चीज का पता होगा तो डेफिनेटली मैं कमेंट आपके लिए जरूर करूंगा। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, आपको तो सिर्फ एक लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो को फॉरवर्ड करना है। तो टाइम हो रहा है रात के 2:21, जल्दी से वीडियो बनाई है कि आपका कहीं भी एक दिन भी मिस ना हो। एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो फॉर्म है नियर अराउंड, ये जो मैंने लास्ट डेट आपको बताई 30 डेज, मैंने कहा 8 अप्रैल 2019, इसके पहले पहले वहां पे पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद नहीं पहुंचना चाहिए। जो 37 डेज थे जो स्पेशल एरिया के, उनका फॉर्म तकरीबन 15/3/2019 के पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी ट्विटर अकाउंट आप यूज करते हैं तो मेरे साथ उस पर जुड़ सकते हैं, सारे लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?